मऊ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर क्षेत्र के एक प्लाजा में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान और जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी तथा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस बैठक में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास कार्य और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर कैसे पीएम मोदी बने, इसके लिए कड़ी रणनीति बनाई गई और सबकी राय ली गई। पत्रकारों से बात करते हुए समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 4 साल पूर्ण हो गए हैं। उनकी सरकार में किए गए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, उसी के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम चौपाल ग्राम स्वराज अभियान के कार्यक्रमों के लिए योजना बनाई गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से संपर्क करने की रणनीति तैयार की गई है। आगे कहा गया कि मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर हम जनता के बीच जाएंगे और आगामी 2019 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि सपा बसपा ने हवा में गठबंधन किया है, क्योंकि जब सपा की सरकार बनी थी तो तभी गरीब बस्ती फूंक दी गई थी और बसपा की सरकार होती तो SC ST एक्ट लगाकर लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता, तो जनता यह भूलने वाली नहीं है। जनता इन लोगों के कारनामों से अब ऊब चुकी है और सबको पता है कि ये लोग अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। आगे कहा कि विकास को नई दिशा देने के लिए इलाहाबाद में फ्लाइट उड़ान भरने जा रही है और 1100 रुपये में कम वक्त में लोग राजधानी सहित अन्य स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का सपना है कि सब जुड़े और इसके लिए हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी अब हवाई यात्रा कर सकेगा। और आगे कहा गया कि आजमगढ़ में भी जल्द उड़ान भरी जाएगी। आगे वन व पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार किसी जाति और धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं टिकी है। हमारे पीएम देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश को बदलने का काम कर रहे हैं और देश तब बदलेगा जब गरीबों के हालात में बदलाव आएगा। इसीलिए हमारी सरकार मतदाताओं को खुश करने के लिए नहीं बल्कि देश को बदलने के लिए योजनाओं को संचालित कर रही है। इसलिए बड़े बड़े नेता भले ही एक मंच पर हो जाएं, लेकिन आगामी लोकसभा के चुनाव में जनता पीएम के रूप में सिर्फ मोदी को ही चुनने वाली है। 4 साल में जो उपलब्धियां मोदी सरकार ने प्राप्त की है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज उसी की समीक्षा बैठक थी। हमारे ग्राम चौपाल के कार्यक्रम, ग्राम स्वराज अभियान के कार्यक्रम, उनको लेकर योजना बनी और मोदी सरकार की योजना जो गांव-गांव पहुंची है, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क किया जाए, इसकी चर्चा हुई। ये गठबंधन हवाई गठबंधन ऊपर आसमान में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जब सपा की सरकार बनाई जाती है तो दलित बस्ती वो दलित कभी भूलेगा क्या कि उनकी बस्ती फूंकी गई। जब बहन जी की सरकार बनती है तो लोगों पर SC ST एक्ट लगा करके दुरुपयोग किया जाता है तो कोई भूलेगा क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की चाहत है, सब जुड़े, सब उड़े, देश का आम नागरिक भी जुड़े, हवाई चप्पल पर पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करें। हमारी सरकार किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, मोदी जी देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो देश तब बदलेगा जब गरीबों के हालात में परिवर्तन आएगा। इसलिए हमारी सरकार जो योजना बनाई है किसी जात को देख करके नहीं, कोई मतदाता को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि देश बदलने के लिए, आज़ादी के 70 साल तक जो उपेक्षित लोग थे उनके हालात में परिवर्तन के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से ये बड़े बड़े नेता चाहे कितना भी एक मंच पर आ जाए, कितना भी आ जाए, लेकिन देश का जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, उपेक्षित है, ऐसे तमाम समाज के लोगों ने 4 साल के कार्यकाल में उनकी नीत और नियत पे भरोसा करके 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारी बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा।